दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जब हम लोग डेक सीट लगाते हैं, डेक सीट के ऊपर हम लोग शेयर स्टड्स बिल्ड करते हैं, उसको बिल्ड करने का मेन पर्पस क्या है, उसको क्यों दिया जाता है और उसका फंक्शन कैसे होता है और उसको लगाया कैसे जाता है, इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा स्टड्स बिल्डिंग मशीन है, ठीक है, और ये हमारा जो आप आगे हम आपको दिखाएंगे गन के थ्रू हम लोग कैसे स्टड्स को बिल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बीम का इरेक्शन होने के बाद हम लोग डेक सीट के थ्रू स्लैब को रेडी करते हैं। आप ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें शेयर स्टड्स बिल्डिंग किए गए हैं और इनको क्या होता है, हम लोग जो अपने कनेक्टिंग बीम होती हैं, हमारी जो स्टील की बीम होती हैं उसके ऊपर ही हमको बिल्डिंग करना होता है, तभी जाके वो जो हमारा मेन पर्पस है स्ट्रेंथ का होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं ये हम लोगों की बीम है और इन बीम के ऊपर ही हमें स्टड्स को बिल्डिंग करना है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं ये बीम ऑलरेडी कंटिन्यू गई हुई हैं और उसके ऊपर ये बिल्डिंग किया गया है। तो दोस्तों इसको कैसे किया जाता है हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं ये हमारा स्टड्स गन है जिससे हम लोग क्या करते हैं स्टड्स को लगाते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास एक स्टड है, ये 19mm डाया का है, ठीक है। इसमें ये आप जो देख रहे हैं ना ये हमारा क्या है, स्पार्क पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको फिक्स करते हैं, आप देखिए ये, और ये हमारा फेरूल है दोस्तों, ये जैसे आप देख सकते हैं। इसका जो मेन लगाने का पर्पस क्या होता है, जब हम ये स्टड्स को यहाँ पर लगाते हैं तो हमारा डाया क्या है इसको हम लोग स्पार्क करके पिघला के लगाते हैं, बेल्डिंग करते हैं, तो हमारा सीट नहीं जलनी चाहिए और ज़्यादा बड़ा डाया नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फेरूल को यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी कैसे करते हैं ये देखिए, ये आप देखिए कुछ इस प्रकार से ये बेल्डिंग करते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा ये हमने बेल्डिंग किया, ठीक है। वेल्डिंग करने के बाद आप ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से हमारा जो नीचे मेंबर दिया गया है, बीम दिया गया है, उसमें वेल्डिंग किया गया और इसमें हमारा सीट भी जो है एक्स्ट्रा जो गैप नहीं हुआ, जला नहीं, ठीक है। तो आपको जब ये वेल्डिंग चेक करना है तो हमें क्या करना है, ये जैसे कि हमने 2 kg का हैमर लिया और हैमर से हम इसको ये देखिए इसको चेक करेंगे। ये साउंड चेक करने के लिए होता है कि हमारा जो स्टड्स है ये प्रॉपर बेल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप इसके साउंड से ही देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको इसका जो है साउंड चेक करते हैं और इसमें एक और चीज करते हैं, इसको क्या है, इसका हम बैंड भी चेक करते हैं। जब हम बेल्डिंग करने के बाद इसका क्या करेंगे, बैंड चेक करेंगे। तो बैंड के लिए हमें क्या होता है, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक अलग अलग डाया के ये हमारे शेयर स्टड्स होते हैं और इसमें क्या है जो कितने से 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक हम लोग इसका बैंड चेक करते हैं। और बैंड चेक करने के बाद क्या होता है, जो हमने बिल्डिंग किया है गन के थ्रू वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं आया, उसको चेक करने के लिए और हम लोग इसका क्या करते हैं, बैंड भी चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे सपोज दैट हमने इसको बिल्डिंग किया, एक और आपको बिल्डिंग करके दिखाते हैं, एक और ना ये लीजिए फिर। ये देखिए ये दोस्तों जैसे हमने वेल्डिंग किया, अब आप देख सकते हैं ये देखिए ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक को 60 डिग्री में बेंड करने के लिए हमको इसका प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है इसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों जैसे कि हमने बैंड टेस्ट करने के लिए, अब इधर आप आके देख सकते हैं जो हम लोगों ने वेल्डिंग किया है कहीं भी क्रैक नहीं हुआ, ये देखिए, और ये कहीं भी नहीं हुआ, इसका मतलब जो हमारा मेन पर्पस है प्रॉपर तरीके से स्टड्स को वेल्डिंग करना ये हुआ, ये देखिए। और यदि ये बीम के पास प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग नहीं होगा दोस्तों तो इसका जो साउंड है वो अलग प्रकार का ही साउंड होता है, जैसे हम आपको एक आध दो पीस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम लोग इनमें से कुछ ऐसे भी स्टड्स होंगे जो प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग नहीं होते तो उनके साउंड से ही पता चल जाता है और वो इजीली वे में टूट जाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जैसे प्रॉपर नहीं हुआ तो आप इसके साउंड से देख लीजिए, ये
इसका अलग प्रकार का साउंड आ रहा है। ये मतलब प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं हुआ। यही देखिए इसको, ये देखिए, ये हम क्या करते हैं, साउंड से ही पता चल जाता है कि हमारा जो शेयर स्टड्स है ये प्रॉपर तरीके से बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले जो इसमें बिल्डर होता है उसको हम लोग एक सैंपल टेस्टिंग के लिए एक सैंपल में मारेंगे, और उसको जो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग उसको लैब में भी भेज सकते हैं देखने के लिए कि जो बिल्डर कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग लैब में ले जा करके और इसको भी टेस्ट करके टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका हम देख सकते हैं। दोस्तों, शेयर स्टड्स जो हम डेक सीट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, इसका देने का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहला दोस्तों क्या है, जो हमारे स्लैब है, स्लैब और स्टील स्ट्रक्चर को आपस में टाई करना। क्या है? टाई करना स्लैब, आरसीसी स्लैब को स्टील के साथ। दूसरा, जो हमारा आरसीसी स्लैब है उसके लोड को शेयर करना, जैसे कि इसके नाम में यह है शेयर स्टड्स। क्या है? शेयर स्टड्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप डेक सीट के ऊपर जो हमारे जहाँ भी कनेक्टिंग बीम आती हैं उसके ऊपर ही हमें बिल्डिंग करना होता है। अदरवाइज ये क्या है, जो हमारा मेन बिल्डिंग करने का पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो शेयर स्टड्स अपने आप टूट जाएंगे, जैसे हमने आपको अभी ऑलरेडी सैंपल में दिखाया है। तो दोस्तों, अभी जब भी आप डेक सीट के ऊपर शेयर स्टड्स लगाते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, उसका साउंड चेक करें और उसका बैंड, इसके बाद ही उसको क्लीयरेंस दें। जैसे हमारे सारे शेयर स्टड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। आपको दिखाते हैं, ये हमारा स्लैब जिसमें हम लोगों ने शेयर स्टड्स आप देख सकते हैं कंप्लीट हुआ है, ये देख सकते हैं हम लोगों के, जैसे कि आप ये शेयर स्टड्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस प्रकार से रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। रेनफोर्समेंट का काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कास्टिंग करते हैं अपने ऑलरेडी जो हमारी अप्रूव्ड ड्राइंग होती है। दोस्तों, उसमें इसका डिटेल्स जो होता है वो दिया रहता है कि हमें कितने डिस्टेंस में लगाना है, किस डाया का लगाना है। तो ये सारा चीज़ कहाँ है, हमारी अप्रूव्ड ड्राइंग में दिया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप शेयर स्टेट्स का काम करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान दें, ताकि जो हमारा टाइम और क्वालिटी है, जो हम आपको बार बार रिपीट करते हैं, हमें रीवर्क ना करना पड़े और जो हमारा क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो। तो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार का काम करें इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों।